तो दोस्तों अभी आए हैं बलापुरा गांव में और दिखाने जा रहे हैं आपको, तो दिखाते हैं आपको। ये देखो इस तरह का गांव में इस तरह का नज़ारा रहता है। तो ये इधर जो मैं दिखाता हूँ आपको, तो इधर पशुओं के लिए ये चारा रखा है, ये देख सकते हैं आप मेरे बैग में देख सकते हैं। तो पशुओं के लिए चारा रख रखा है इधर में, और इधर दिखाते हैं आपको। ये यहाँ पर इस तरह से जो पशुपालन होता है, और पशुपालन में देखो भैंसें अधिकतर हमारे क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में मैं आया हूँ तो यहाँ पर भैंसों को ज़्यादा पाला जाता है। और भैंसें ये यहाँ पर इस तरीके से बंधी हुई है, और ये देख सकते हैं आप ये इस तरीके से। और यहाँ पर ये जो सामने चारा रखा हुआ है, तो यहीं से उठा के यहीं पर ये चारा डाल देते हैं। शायद पशु ये पानी के लिए ज़रूर कहीं पर ले जाना पड़ता होगा इनको। तो इस तरह का नज़ारा है यहाँ पर, और ये इधर भी ये चारा लगा हुआ है पशुओं के लिए। और चलेंगे आगे तो आगे का नज़ारा दिखा देंगे आपको। ये फिलहाल में तो ये नज़ारा मिला है मुझे, तो ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और इधर भी भैंसे बांध रखी है ये इस तरीके से, जो खुला मैदान है, और इस जगह में ऐसी जगह में भैंसे बांध रखी है। तो इस तरह का नज़ारा है, और ये दिखा देता हूँ आपको गाँव का नज़ारा इस तरह का है जिस गांव में मैं आया हूं। देख सकते हैं आप कीचड़ भरा गांव है, कितना कीचड़ है इस गांव। तो यहां से चलेंगे, ये इस तरह का रास्ता है गांव में जाने के लिए, और ये इस तरह के मकान यहां पे, यहां से चलेंगे तो इस तरह के कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा आपको। और यहां से इधर चलेंगे आगे, और ये इधर इस तरह से मकान बने हुए हैं जिसमें ये पपीता वगैरह लगा हुआ है, कुछ पपीता का पेड़ दिखाता हूँ आपको। और ये इस तरीके से मकान बने हुए हैं। ये देखो पपीता का जो पेड़ है मुझे पसंद आया, इस वजह से आपको दिखा दिया मैंने। और ये ट्रैक्टर वगैरह बाइक वगैरह रखा है इधर, थ्रेसर रखा है। तो खुले में जो छोटे गांव होते हैं देहात के, तो इस तरह का यहाँ पे गांव का नज़ारा है, ये देख सकते हैं आप इस तरह का गांव है। ये मकान जो दिखा रहा हूँ तो गांव के बाहर है, और अब मैं पहुँच गया हूँ गांव के बाहर। ये इस तरह का पीपल का पेड़ और खुला मैदान है, और ये अम्मा जी बकरी इधर चरा रही है इस तरीके से, और बच्चे खेल रहे हैं। और अब वीडियो को करता हूँ एंड। आपका दोस्त सत्यनारायण, धन्यवाद, थैंक यू जी।